वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे आम का कलाकंद, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बहुत ही पसंद आता है। अजमेर का ये फेमस कलाकंद आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये हर जगह नहीं मिलता है और बिल्कुल मैं आज आपको हलवाई स्टाइल में बनाना बताऊंगी। साथ ही साथ इस कलाकंद में मैंने एक खास चीज मिक्स की है, वो आप देखेंगे मेरी वीडियो में। तो बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, हमें फुल क्रीम दूध ही लेना है, जिससे कि जो है हमारा आम का कलाकंद बहुत अच्छा बनेगा। दूध को हमें पहले फुल फ्लेम पे गरम करना है। जब दूध अच्छा गरम हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। जब तक कि दूध जो है आधा नहीं रह जाता तब तक हमें इसको पकाना है। दूध को हम चलाते रहेंगे, दूध में उकाली आने लग गई है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे ही हम इसको पकने देंगे। इधर दूध गाढ़ा होता है तब तक हम छन्ना भी बना लेते हैं। ये देखिए दूध जो है हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो ये तले पे लग जाएगा। यदि आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बनाइए, नहीं तो मोटे पेंदे की कढ़ाई में बनाइए। थोड़ा अभी हमें इसको और गाढ़ा करना है। जब तक ये गाढ़ा होता है हम छन्ना तैयार कर लेते हैं। छन्ना तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है। आप देख सकते हैं दूध अच्छा बॉईल होने लग गया है। अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। दूध अच्छा बॉईल हो गया है तो चलिए अब इसको हमें फाड़ना है। फाड़ने के लिए आप विनेगर या नींबू का रस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नींबू का रस डाला है। गैस की फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है। जैसे ही दूध फटने लग जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध जो हमारा फट चुका है। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसको अब हम चला लेंगे ताकि जो दूध है अच्छे से फट जाए। अब इसको अब हम छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन रखा है। बर्तन में हम इस तरह छलनी लगा देते हैं और एक पतला व्हाइट जो है मलमल का क्लॉथ आता है वो हम इसमें रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है पानी हमारा निकल जाए। जो दूध हमने फाड़ा था वो इसमें हम डाल देते हैं। इस तरह छन्ना जो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम 1 से 2 बार और वॉश करेंगे ताकि इसमें जो खट्टापन है ना वो निकल जाए और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से खट्टापन इसका निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि जो पूरा पानी इसका निकल जाएगा। इस तरह हम कहीं पे भी इसको टांग के रख दें ताकि जो है इसका पानी निकल जाए। और जो नीचे का बचा हुआ पानी है इसको हमें फेंकना नहीं है। इससे हम पराठे बना सकते हैं या इडली बैटर में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। छन्ना हमारा बनकर तैयार हो गया। इस तरह हमें इसको खुला खुला ही रखना है। दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है, इसे अब हम दूसरी पैन में निकाल लेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है आम का पल्प। 2 आम को मैंने बारीक करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वो पल्प अब इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें पल्प चाहिए, वो इसमें अब हम डाल देते हैं और इसे अब हम एक बार हिला देंगे। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट हमें इसको चलाना है। कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जो हमने छेना बनाया था ना वो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये छेना भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से ये देखिए मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें हमें शक्कर ऐड करनी है। तो 1 कप जो है मैं यहाँ पे शक्कर डालूंगी। शक्कर आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आम के ऊपर। आम यदि खट्टे हैं तो शक्कर ज्यादा लगेगी, यदि मीठे हैं तो शक्कर कम लगेगी। 1 कप मैंने यहाँ पर शक्कर लिया, वो इसमें अब हम डालेंगे और सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है, वो सबसे मेन चीज है, वो हम इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से चक्की जो हमारी बहुत ही अच्छी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में जमकर तैयार होती है। तो 2 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर डालने से बर्फी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। आप देख सकते हैं चिकनाई छोड़ने लग गया है, तो इसको अब हमें जमाना है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है जमाने के लिए। तो अब गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको अब हम जमाएंगे। हमें इसी तरह इसको रखना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है, आप किसी में भी चक्की जमा सकते हैं। तो इसमें अब हम बैटर को डालेंगे।
तो इस तरह हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे और जितनी साइज की हमें चक्की चाहिए उतनी साइज का ही हम इसको जमाएंगे। इस तरह हमें इसको जमाना है, इस तरह हमें इसको जमाना है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर ही हम इसको कट करेंगे। कलाकंद अच्छे से सेट हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। अब इन्हें हम कट करेंगे, बड़ी आसानी से कट हो जाता है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो है कलाकंद हमारा जमकर तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। तो कलाकंद को मैंने कट कर लिया है, तो चलिए आपको एक पीस में निकाल के दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह कलाकंद हम घर पे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जब भी घर पर मेहमान आने वाले हो तो पहले से ही आप ये कलाकंद बनाकर रख दीजिए। ये 7 से 8 दिन तक खराब नहीं होता है और कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये कलाकंद आपने घर पे ही बनाया है। बिल्कुल बाजार के जैसा हमारा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।